केमिस्ट्री की ताकत को समझना है तो इस बात से समझिए कि एक छोटी सी लौ जो होती है वो एक शाही इमारत को पल भर में खाक कर देती है। दोस्तों ध्यान सुनिएगा इन पंक्तियों को, केमिस्ट्री की ताकत को समझना है तो इस बात से समझिए कि एक छोटी सी लौ पल भर में एक शाही इमारत को खाक बना देती है। स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, मैं आपका दोस्त उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका एक नए पावरफुल वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ टॉपर इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में टॉपर कैसे बने। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं केमिस्ट्री में। दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको आते रहें और आपकी लाइफ में चेंज आए। दोस्तों मैं आपसे कुछ बेसिक बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि केमिस्ट्री एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, तो इस मिथ को पहले आप दूर करिए कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। दोस्तों इसको समझ करके, इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके और इसको एक ऑर्डर में पढ़ करके इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, तो ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये भी आपसे एक प्रैक्टिस की डिमांड करता है, रेगुलर स्टडी की डिमांड करता है। इसमें भी आपके तीन पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हल्का सा कह सकते हैं कि आपको एज मिल जाता है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो रिएक्शंस होते हैं वो भी आपको एक टेक्निकल से याद करना होता है। आप कितने रिएक्शंस को रटेंगे तो आप टेक्निक बनाइए और मैं आपको कुछ टिप्स आज बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप केमिस्ट्री को टैकल करेंगे, बहुत ही आसानी से आप उसको उसमें अपना स्थापित करेंगे वर्चस्व। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग करनी है तो कुछ बेसिक चीजों को आप याद कर लीजिए। जैसे एटॉमिक नंबर पे आप कमांड बनाइए, एटॉमिक नंबर्स को आप ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिए। एटॉमिक मास जनरली डबल ही होता है लेकिन एटॉमिक मास को भी आप लर्न कर लीजिए। और दोस्तों याद रखिए केमिस्ट्री में आप डिफरेंट चीजों को याद रखिए, जो चीजें प्रॉपर्टी से वेरी करती हैं, जो प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करती हैं, कुछ अलग डेविएशन करती हैं, उनको ज्यादा याद करिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे बनता है, क्योंकि जहां पे एनोमलस प्रॉपर्टी होती है वहीं पे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं आपसे। मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और केमिकल के बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब बेसिक चैप्टर जिसपे आपका कमांड होना चाहिए। उस पर आप थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए, ट्रिक्स के थ्रू याद करिए, इस पर आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ टिप जिसकी मदद से आप केमिस्ट्री को अच्छा करेंगे अपने। सबसे पहले दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, मिथ्स पर ध्यान मत दीजिए। लोग कहते हैं रटने वाला सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रिक्स के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के थ्रू, कंटिन्यूअस रीडिंग के थ्रू आप इसको टैकल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। केमिस्ट्री और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आप जान लीजिए, इस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो सबसे ज्यादा आउटपुट आपको इसी सब्जेक्ट पर मिलेगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज्यादा लेबर की डिमांड करती है लेकिन केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग है। और दूसरी बात, आप केवल एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या अदर बोर्ड्स के हैं तो आप अपनी बेसिक बुक को ही फॉलो करिए, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का वो केवल थ्रू आउट एनसीईआरटी से ही आता है। आप जेईई मेंस, एडवांस या एनडीए, आप जो भी एग्जाम देना चाहेंगे, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण है। आप उससे बाहर कुछ मत पढ़िए, आप बस एनसीईआरटी को फोकस कीजिए। हालांकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए। दूसरा काम आप करिए, तीसरा काम, सेल्फ नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए बुक से अलग। आप बुक्स को पढ़िए, बेसिक बुक्स को, उससे अपना खुद नोट्स बनाइए, खुद उसको लर्न करिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री में बढ़ेगी। और आप चौथा काम ये करिए कि आप ट्रिक्स के थ्रू याद करिए, ट्रिक्स आप बनाइए, ट्रिक्स के थ्रू आप याद, जैसे पीरियोडिक टेबल आपको याद करना है तो आप एक लाइन में उसको याद करिए, पीरियड्स ग्रुप्स को ट्रिक बना करके उसको याद करिए, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। रिएक्शंस को बार बार देखते रहिए, रिएक्शन जैसे रायमन टेमर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, अलूर्ज रिएक्शन है, तो आप जितने भी रिएक्शंस हैं इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। इस तरह से केमिस्ट्री आपको रिएक्शंस आपके इजी हो जाएंगे, आपको रिएक्शंस याद हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे यही पूछा ही जाता है, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप ट्रिक्स के थ्रू पूरे स्टेप्स को, मैकेनिज्म को समझिए, जो आपको मैकेनिज्म दिया रहता है रिएक्शन का उसको समझिए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रिएक्शन को समझ गए हैं तो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए, ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, थ्योरेटिकल पोर्शन पे कमांड रखिए और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, यूनिट्स पे, वैल्यूज पे आप ज्यादा फोकस करिए और इसको इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। सबसे मेन काम करिए आप केमिस्ट्री को स्पीड करके पढ़िए, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपस में इंटररिलेटेड नहीं होती है उतना ज्यादा, तो इसलिए आप इसको स्प्लिट करके पढ़िए, प्रॉपरली समय दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री को मान लीजिए आपके पास एक साल है तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप लगभग 3-4 months दीजिए। इसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे आप मेहनत करिए, आप देखेंगे आपका तीनों ही ब्रांच इंप्रूव होगा। मेरे हिसाब से सबसे आसान ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तीनों ही अच्छी ब्रांचेज हैं। इस पे अगर आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देते हैं तो आपको बहुत ही आपको लाभ होने वाला है, इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा।
प्रॉपरली शेड्यूल बना के पढ़िए, रेगुलर पढ़िए केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि आप दो दिन पढ़ रहे हैं, तीन दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। एवरेज आप इसको टाइम दीजिए, 2 से 2.5 घंटे आप इसको डेली दीजिए। और मेरे हिसाब से एक पीसीएम के स्टूडेंट या पीसीबी के स्टूडेंट को आइडियल 6 आवर्स देने चाहिए एक दिन में। तो आप अपना पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए कि इतना समय फिजिक्स को, इतना समय केमिस्ट्री को, इतना मैथमेटिक्स को, इतना बायोलॉजी को। तो एक पर्टिकुलर टाइम, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट पे कमांड लाइए, पीरियोडिक टेबल को याद करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपने कमांड लाइए, केमिकल बॉन्डिंग पे कमांड लाइए, देखिए आपकी केमिस्ट्री अपने आप इंप्रूव हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी डाउट होगा मैं कमेंट सेक्शन मेंशन कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपना डाउट उस पर भेज सकते हैं। थैंक यू।